चलिए दोस्तों, आज आपको प्रयागराज में लगे हुए माघ मेले की सैर कराते हैं। आप अपनी गाड़ी लेकर चुंगी चौराहे से मेले में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर यातायात को अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है और पार्किंग की उचित व्यवस्था है। प्रवेश करते ही आपको जल जीवन मिशन की सुंदर प्रदर्शनी देखने को मिलती है। जल जीवन मिशन की प्रदर्शनी देखने के बाद हम हस्तशिल्प महोत्सव में पहुंचे, जहां पे बहुत ही सुंदर क्रॉकरी के पॉट्स मिल रहे थे। यहां अलग अलग राज्यों से आए हुए व्यापारियों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। हस्तशिल्प महोत्सव के अपोजिट ही खादी प्रदर्शनी लगी हुई है। इसके बाद हम झूलों के मैदान में पहुंचे, जहां विशालकाय झूले लगे हुए थे। यहां पर एक अंडरवाटर फिश टनल वाटर एक्वेरियम का भी निर्माण कार्य चल रहा है। बगल में ही लंदन ब्रिज की सुंदर प्रतिकृति बनाई हुई है। यहीं पर मीना बाजार लगा हुआ है, जहां पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे सामान मिल सकते हैं। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह इतने विशालकाय झूले को एक जनरेटर के माध्यम से घुमाया जाता है। इसके बाद हम अपनी गाड़ी से गंगा घाट की तरफ बढ़ गए। इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी लेकर घाटों की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है। मेले में श्रद्धालुओं के लिए स्नान व चेंजिंग रूम की अच्छी व्यवस्था की गई है। वापसी में हम राम मंदिर की प्रतिकृति देखने चले गए।
मंदिर के बगल में ही चंद्रयान की एक विशालकाय और सुंदर प्रकृति बनाई गई है।